क्या बनाऊं? क्या बनाऊं? मैं पूछ तो ऐसे रही है कि जैसे अभी चाइनीज बना के ले आएगी और मुझे कहेगी ये लीजिए सासू माँ खाएं बिगुल बजा के। अरे निकम्मी कहीं की, जा चली जा मेरी नजरों के सामने से। एक काम करो, नमक मिर्च खोल के ना तो वो रख देना, हम वो ही खा लेंगे, समझ आई? अरियो मेरी भी सुन ले, अब मेरा बच्चा आएगा ना सारेम, तो उसके सामने ये टस में मत बहाना और ना ही उसके कान भरने की कोशिश करना कि अम्मा ने ये कह दिया, अम्मा ने वो कह दिया। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, अगर कोई बात भी मैंने सुन ली ना तो तेरी जबान गुत्थी से निकाल के ना तेरे हाथ पे रख दूंगी और तुझे टुकड़ा से पकड़ के ना गेट से बाहर तक छोड़ के आऊंगी। अपनी अम्मा के यहाँ तो तुम जा नहीं सकती क्योंकि वहां से तो तुम मुंह काला करवा के आई हो। और ये भी मत समझना कि सारिंग तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, क्योंकि सारिंग तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। किससे? हो किससे? आया बता दे कोई ऐसी बात नहीं। अरे भाई क्या हो गया? फरिया को खैर थोड़ी है, वो भी अपनी बच्ची है, अगर उसका नाम बता देगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी बिगुल बजा के, ये उठा के मेरे ऊपर गिरा भी उठा सब। तौबा तौबा, जब से तेरे अब्बा गुजरे हैं आज पहली बार हंसी हूँ मैं। हाय याद आ गए। फवाद को फोन करके खैर खैरियत ले लेती हूँ, इतने दिन हो गए उसका कोई फोन ही नहीं आया। फरिया भाभी को नहीं, अभी मैं ये फोन नहीं उठा सकता। अगर इनको भाई के जाने के बारे में पता चल गया हो तो? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा? अभी नहीं, सॉरी भाभी। क्या पता वो किसी मीटिंग में बिजी हो, मैं उसे बाद में फोन कर लूं, या फिर वो मेरा नंबर देके मुझे खुद ही कॉल कर ले। अम्मा हमने आयजा से तो फरीहा का नाम ले लिया है, लेकिन अगर आयजा ने हमाद को सब कुछ बता दिया और वो फरीहा को ना लेकर गया तो मेरा क्या होगा? है पागल हो गई है क्या लड़की? कैसे बताएगा वो आयजा को? है आयजा कैसे बात करेगी हमाद से? वो तो अपने घर वालों के मुंह पे कालक थोप के आई है। कौन सा वो तमगा उनके गले में डाल के आई है जो वो उससे बात करेंगे बिगुल बजा के? पागल है तू लड़की। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मैं भी तो अपने घर जाना चाहती हूँ ना। तो जा चली जा। ऐसे कैसे चली जाऊँ अम्मा? बिल्कुल ऐसे चली जाओ जैसे खुद ही मुंह उठा के आ गई थी। देख बुरा ना मानी मैरिन, पहले भी तू शबाना से पूछ के तो नहीं आई थी ना? मैं खुद ही चली जा चुपचाप। पहले आर्यन मुझे लेने आए थे, खुद से चलकर नहीं गई थी मैं वहाँ पे अम्मा। मेरा बच्चा, एक तो तू बड़ी कम अकल है, तू अपने आप चली जा। आर्यन बेचारा मजबूर था परिया की वजह से, कुछ दिनों के लिए वो तुझे यहाँ छोड़ गया। जब तू उसके सामने जाएगी तेरी शक्ल देखेगा ना तो देखना, इतना प्यार करता है वो लड़का तुझसे कि तेरी शक्ल देखते ही पिघल जाएगा बिल्कुल उसी तरह।
जैसे गर्म पतीली में घी पिघलता है। बिल्कुल हाय फरिया, आज मैं तुम्हारे लिए निहारी लेकर आई हूँ। रुखसार, तुम क्या घर में बताकर आती हो कि तुम यहाँ आ रही हो? मैं अपने घर में बताए बगैर कोई काम नहीं करती, और वैसे भी आज मैं आई नहीं, भेजी गई। किसने भेजा है तुम्हें? भाई ने। भाई तुम्हारा पूछ रहे थे, कह रहे थे कि फरिया से कहना, फिर मिलने का प्लान बनाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रुखसार, मैं तुम्हारे भाई से क्यों मिलूंगी? जैसे पहले मिली थी, अब ये नहीं कहना कि नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारे भाई से मिलने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो भी तुम्हारे ही जैसे। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? चलती हूँ। सारिम, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। लेकिन पहले आप वादा करें कि आप सच सच बताएंगे। तुम अगर वादा नहीं भी लोगी तो भी मैं सच्ची बोलूं, क्योंकि हमारे रिश्ते में झूठ की गुंजाइश नहीं। अच्छा, फिर बताएं कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, सच बताइएगा। मेरे साथ इतना बड़ा स्टेप उठाने के बाद भी तुम ये सवाल कर रही हो? सारिम, मैंने आपसे एक सवाल किया है, आप मेरे सवाल पर सवाल क्यों कर रहे हैं? मुझे उसका जवाब दीजिए बस। इतना सब होने के बाद तुम्हारे सवाल की कोई अहमियत नहीं है? लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, तो फिर कुछ वक्त गुजरने दो, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, फिर जब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा तभी मैं इस कमरे में आऊंगी। आयजा मेरी बात सुन। आयजा, फवाद का कोई फोन ही नहीं आया। इस वक्त वो घर में होगा, इस वक्त उसे कॉल करनी चाहिए। फवाद मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या पता वो सो रहा हो। हम्माद को फोन करती हूँ।
अम्मा मेरी बात सुनो। मुझे बड़ी नींद आ रही है, सुबह सुन लूंगी। अम्मा नहीं, मेरी बात अभी सुनो, बहुत जरूरी बात है। अरे बेटा सुबह कर लेना ना बात। अम्मा सुबह तक तो मेरे पेट में फारा हो जाएगा। चलो। अम्मा पता है क्या, वो आयजा है ना, वो अपने कमरे में नहीं है, बाहर लाउंज में सोफे पर सो रही है। क्या सच? तू सच कह रही है बिगुल बजा के? तुम्हारी बिगुल की कसम अम्मा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझ पर यकीन है तो खुद जाकर देख लो। देखा, तू तो ऐसे ही डर रही थी। मेरा बच्चा, मेरी मान, तो कल तू भी खुद ही चली जा वापस अपने घर। ठीक है अम्मा, इस खबर के बाद तो मैं अपने घर खुद ही चली जाऊंगी। अब मैं सो जाऊं जाके। हाँ। फरिया बेटा, क्या हुआ, परेशान लग रही हो मुझे? क्या बताऊं खाला, बात ही कुछ ऐसी है। मैं फवाद को कॉल कर रही थी लेकिन उसने मेरी कॉल ही नहीं उठाई और ना ही मुझे कॉल बैक की है, और हमाद का नंबर तो वैसे ही बंद जा रहा है। ये तो परेशानी की बात है। अरे तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, जैसे शबाना आएगी इजाजत देगी, बस तुम अपने पिया घर चले जाना। लेकिन खाला अगर मम्मी ने इजाजत नहीं दी तो फिर? अरे ये खाला बात करती है खरी, चाहे लगे किसी को बुरी, शबाना इजाजत ना दे, अरे हम उसे समझाएंगे, वो मान जाएगी, देखना। थैंक यू खाला, आप मेरा बहुत साथ दे रही हैं। मैं आगे भी साथ दूंगी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिया के घर तक छोड़कर आऊंगी, वहां तक साथ दूंगी। और ऐसे ही मुस्कुराया करो घर में ताकि उजाला रहे। ला 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 ला। वो आंटी, आयजा को आ करने का मामला कहाँ तक पहुँचा? मैंने हमाद को डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए कहा था, लेकिन वो जल्दबाजी में बाहर चला गया। अब उसके आने का तो इंतजार करना पड़ेगा। आंटी हमाद को आने में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, और मैं नहीं मानती कि इस मामले को ज्यादा देर टाला जा सके। मुझे लगता है ये मामला मुझे खुद निपटाना पड़ेगा। तो निपटा लें, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना आपके लिए कौन सा बड़ा मसला है, आप खुद तैयार करवा लें। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ। मिस कॉल्स फॉर यू भाभी की, शायद परेशान हो रही होगी, मुझे कॉल बैक करनी चाहिए, मगर अगर भाई के बारे में पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा? कोई भी बहाना बना देना फवाद, क्या हो गया, कम ऑन यार। हेलो फवाद, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें इतने फोन किए लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। हाँ भाभी, वो बस थोड़ा सा बिजी था। आप बताएं किसे फोन कर रही थी? खैरियत? मुझे मालूम था कि तुम बिजी हो। मैं वो बस सबकी खैर खैरियत लेने के लिए फोन कर रही थी। सब लोग कैसे हैं? सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। और हमाद? हाँ हमाद भाई भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से। अच्छा भाभी, मैं जरा बिजी था, आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ओके भाभी, थैंक यू। ओ बच गए, छवो टाल दिया। एक तो अचानक से झूठ भी नहीं बोला जाता मुझसे कि बेटा फवाद। गुड।
ये लीजिए मामू, गर्मा गर्म चाय और जलेबी। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि पार्टी तो बनती थी, काम ही तुमने इतनी महारत वाला किया है। ऐसी वैसी महारत मामू, पर यह का मुंह देखने वाला था जब मैंने फखर भाई का नाम लिया। अरे फखर से बात करना तो दूर की बात है, अब तो वो उसका नाम तक नहीं लेगी। उसने मेरी शिकायत की, मैंने भी आर्यन को अच्छी खासी पटियाँ पढ़ा दी। आर्यन ने भी खबर तो ली होगी उसकी, बिल्कुल ठीक ठाक। बेचारी परीहा सोच रही होगी पता नहीं कहाँ फंस गई। अरे भाई लो इसी बात पर जलेबी खाओ और जश्न मनाओ। मामू आप खाए खाए खाए। लो तो सही, ऐसी भी क्या आया। आयजा, क्या आज भी तुम शेयरिंग के कमरे में सोओगी? हाँ। तो फिर मैं क्या समझूं उसका? क्या तुमने हमारे रिश्ते को कबूल नहीं किया? सालिम, जब तक मुझ पर से आपके सारे ख्यालात क्लियर नहीं हो जाते, मैं इस बारे में सोचना तक नहीं चाहती।